बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमें एक्सरसाइज नंबर 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो पहला क्वेश्चन इसका है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ जो पार्ट्स दिए गए हैं, पहला पार्ट है इफ़ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यहाँ पर जो ए पैरेलल टू बी, ये दो लाइनें जो हैं पैरेलल लाइन्स हैं, और यहाँ पर जो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन भी कहेंगे, यहाँ पर भी है एक लाइन ड्रा की है जो ट्रांसवर्सल है, दो लाइन इसको बाइसेक्ट आपस में कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एंगल 1 और एंगल 5 है, एंगल 1 और एंगल 5 है, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसी तरीके से दूसरा पार्ट जो यहाँ पर है, इफ़ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो एंगल 4 और एंगल 6 जो आपस में हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये एंगल्स जो हैं ये बीच में हैं, दे आर इन बिटवीन दीज टू लाइन्स, दैट्स वाई दीज आर इंटीरियर एंगल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट, एक अपोजिट डायरेक्शन, ये यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ये है, तो अल्टरनेट है ये आपस में, तो और इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 देन ए इज़ पैरेलल टू बी। अगर एंगल 4 और एंगल 6 180 डिग्री है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह कल आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए दी इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।